सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज है 1 सितंबर और हम लोग जा रहे हैं बोस्ट माड़ू मेले की तरफ। और आज जो है थोड़ा सा मेन वाला है ना, इस वजह से हम जा रहे हैं। और आज सेल्फी स्टिक में हाथ में पकड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा अलग फील्ड ऑफ व्यू आएगा मेरे को जहाँ तक लगता है आपको। अगर ये अच्छा लगे तो बता देना, मैं यहाँ से इसी चीज़ से बनाऊँगा वीडियो है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं खैर वरदानी की तरफ। सामने मेरे को है वरदानी का झंडा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वो देखो भाई, वरदानी का झंडा है वो। और दोस्तों ये पीछे है हमारे चंडाक का जेल। अरे भाई ये देखो जेल, ये है डिस्ट्रिक्ट का जेल, मतलब हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का सेंटर जेल बनेगा यही वाला। कंस्ट्रक्शन जारी है। ये मेघना होटल है भाई चंडाक का, अगर आपको बताऊँ तो चंडाक साइड में यहाँ है। प्लस पॉइंट तो वहाँ पर है, देखा थोड़ा बहुत दिख रहा है, जूम थोड़ा वो करके देख लेना। यहाँ भी घर आ गए थे इसलिए दिखा नहीं पाया। ये देखो भाई ये है यहाँ से प्लस पॉइंट जाने का रास्ता। प्लस पॉइंट इसी रास्ते से जाते हैं, ऊपर वर को है वैसे। और हम लोग पहुँच गए हैं बिल्कुल सुहाने सफ़र में। यहाँ कई ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं यार, कई मज़ा आ जाता है इन वाले पेड़ों को देख के। विवेक आपको याद होगा वो, विवेक को रास्ता याद होगा ये वाला, मैं ज़रूर बताऊँ ये वाला रास्ता। दोस्तों हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं है, काफ़ी लोग जा रहे हैं बोस्ट माड़ू मेले में। मैंने कल को वीडियो बनाई थी ना, शायद यही रीजन है, सब लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होगी। तो आज सब लोग को अवेयर हो गए हैं, सब जा रहे हैं। देखो पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और आगे भी देखो, आगे भी कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो माहौल बहुत अच्छा है। आई वंडर कि वहाँ पर मेले में कैसा हो रहा होगा, मंदिर में कितनी भीड़ हो रही होगी, हमको पता चल जाएगा इन बहुत कम समय में। गाड़ियाँ देखो यार, जो गाड़ियाँ कभी इस तरफ आती ही नहीं थी, मगर आज देखो कितना यहाँ पे है। और ये पुलिस वालों ने यहाँ पे गाड़ी, यहाँ से आगे कार नहीं जा सकती, शायद कार नहीं जा सकती है यहाँ से आगे, लगा के रखा हुआ है। वो देखो पीछे बैरियर लगा हुआ है, उसको अभी अब हम लोग पार करके आए हैं। और काफ़ी लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। आज ही है मेन वाला जो होता है ना, वो आज ही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। वो देखो भाई ऊपर मंदिर में आज काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है मेरे को, आज है कुछ ना कुछ तो अच्छा। हमें हमारे और दोस्त भी दिखाई दे गए हैं। तो हम लोग हैं अपनी वे, अपने रास्ते में मोस्ट माड़ू की तरफ। और यहाँ पे कई सारे यार देखो, कई सारी दुकानें लगी हुई हैं, कुछ में दवाइयाँ मिल रही हैं, कुछ में मच्छी का खाना मिल रहा है, किसी में कुछ मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स है यहाँ पे, मे भी कल भी हो यहाँ पे, अंदर जाके पता चल जाएगा। आज ही आज है कि कल भी है, मेरे को सुनने में आ रहा था 2 तारीख तक है, बट कोई कह रहे हैं कि 1 ही तारीख तक है, तो इसका कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा आगे और आगे जाके ज़रा देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। मंदिर में देखो भाई एंट्री हो चुकी है, हैं क्यों करना है लोग गाइस। ओए गुब्बारे बनाई रखे मैंने, स्टार्टिंग कर रखे हैं। मेरे को मैजिक आता है भाई, बबल पकड़ के सॉलिड करता है। आज है भीड़ यार, आज देखने लायक है यहाँ पर मेला। कल को तो कुछ था ही नहीं, आज दुकानें भी बहुत सारी लग गई हैं। कढ़ाई की दुकानें भी हैं, कोई चश्मे भी हैं यहाँ पे, नाइकी के भी तो मिले, स्नीकर्स वो भी तो दिख रहे तुम्हारा, नाइकी के स्नीकर्स भी हैं यहाँ पे। कुछ दोस्त लोग भी दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। हेलो हेलो कैसे हो भाई, आज मेरी वीडियो में आ रहे हो तुम भयंकर, आज लग रहा है यार देखो जरा, है ना, आज लग रहा है थोड़ा यहाँ पे मेला टाइप का, कहीं ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तब सही है। जरा देखते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है सीन शॉट। पता है भाई मोस्ट माड़ू मंदिर तो फेमस है ही है, यहाँ पर एक और चीज़ फेमस है, वो है यहाँ का पत्थर। काफ़ी लोग दिख रहे हैं मेरे को, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और ऐसी मान्यता है ना, जैसे अगर आप वो पत्थर उठा लेते हो तो आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी, मतलब ये मान्यता है। इनको दिखाओ, इनको ये दिखाइए, काफ़ी लोग तो वहाँ पे चलते हैं, जरा देखते हैं कौन कौन ट्राई कर रहे हैं पत्थर उठाने की। ये देखो भाई पत्थर उठाने का कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे, सब भाई लोग पत्थर उठा रहे हैं। ये वाले पत्थर की मैं बात कर रहा था। इसी पत्थर की बात चल रही थी। दिखने में काफ़ी हल्का लगता है, मगर ओरिजिनली वाला पत्थर जो है ना बहुत भारी पत्थर है। मैंने भी 2-3 बार ट्राई करा है उठाने का, मगर अकेले में किया है, आज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में नहीं उठाता हूँ मैं। मेन टेम्पल में तो हमने देख लिया है, अब जहाँ पर कल प्रोग्राम हो रहे थे वहीं वाले प्रोग्राम में दोबारा देखते हैं।
आज कहीं ज़्यादा भीड़ है ना, तो आज अच्छे प्रोग्राम भी हो रहे होंगे, तो हमको दिख जाएगा क्या क्या है यहाँ पर। चलो और चलते हैं नीचे की तरफ, जरा स्टेज में चलते हैं देखने के लिए क्या क्या हो रहा है। स्टेज यहीं पर है सामने मेरे को, कल को भी तो हम लोग गए थे, 2-4 प्रोग्राम डाले तो थे मैंने, और उनमें से एक प्रोग्राम ना सच में जो मैं कह रहा था ना सोर वैली का, जो मैं नहीं डालूंगा अगले में डालूंगा, उसमें सच में कॉपीराइट आया हुआ है, मैंने अपलोड कर दिया है, पब्लिक नहीं किया है अभी, तो उसको 2-3 दिन बाद करूंगा। आज तो याली वीडियो डाल दी है मैंने, बट यार मेला तो मेला ही होता है, और ये यहाँ के पहाड़ी एरिया के छोटे छोटे यही मेले होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रास्ते में गोबर है भयंकर यार, छी। स्वागत करते हैं, स्वागत किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवान साथियों का, प्यारे मेरे बच्चों का, और जो भी अतिथिगण हमारे बीच आए हैं। देखिए ललित ने अभी स्वागत और सम्मान भी किया है, समय समय पर हम करें। नीचे तो वहाँ वही गाना वाना चल रहा है, बट अभी यहाँ पे जो मेन मंदिर है ना यहाँ पे होगा थोड़ा बहुत प्रोग्राम, थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं। और मंदिर के इस तरफ भी दुकानें लगी हुई हैं, देखो मेरी दाढ़ी मूछ देख के वैसे ही भगा देगा वो, क्या बड़े वाला का है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ टेम्पल में 50 रुपये दे के, चलता हूँ यहाँ पे यार, मेरा सपना था बचपन का। मेरा जो बचपन का सपना था वो पूरा हो गया है, 50 रुपये लिए और बहुत देर तक घूमने दिया, बहुत मजा आया देखकर। अब देखो जैसे मैं उतरा छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं, कई दूर हो रही है। तो भाई मंदिर में मेला तो चल ही रहा है, बट मेरे को मंदिर से सामने एक पेड़ दिखा और वहाँ पे उसके नीचे डोला दिखा है, और ये शायद वही वाला डोला है जो मंदिर में अभी उठ के आने वाला है। तो डोले के पास ही जा रहा हूँ मैं चेक करने के लिए क्या चल रहा है वहाँ पे, पेड़ के वहाँ पे जाते हैं ना, पेड़ एड़ देखेंगे। और वो बहुत अच्छा पेड़ है यार, एक अकेला पेड़ है और ऐसे पूरा क्या कहते हैं उसको, जो जैपनीज छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना उस टाइप का पेड़ है। तो यहाँ सामने पर को ये, इसलिए मैंने बोला चलो एक चक्कर देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब उठेगा यार। अब पता है 2 बजने वाले हैं और अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कब उठेगा कब नहीं उठेगा डोला, तो इससे पहले कि लेट होए हम पहले ही देख आते हैं कि किस टाइप का है। ये देखो भाई, ये रहा सामने वो डोला जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी इसी वाले डोले में भगवान को बैठा के लेकर जाएंगे वहाँ। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ है यार, ये शायद गांव वाले ही होंगे यहाँ के सब कुछ। वो देखो भाई वो रहा वो डोला, थोड़ी देर में उठ ही जाएगा अब। अरे हमको हमारे दोस्त लोग भी मिल गए यार, देखो खनका और ये लोग मिल गए हैं, तुम भी देखने आए यही डोला। अब वेट करते हैं ज़रा कितनी देर लगती है। वैसे मैं इस पेड़ की बात कर रहा था यार भाई, देखो यही वाला पेड़ है कितना बढ़िया है, इसे बताते हो यार डोला उठने ही वाला है भाई। जो हम लोग पेड़ के यहाँ पे नीचे डोला देखने के लिए देख के आए थे ना, बस वही वाला अब आ रहे हैं यहाँ पे, वो जो देवता काम थे ना वो आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ से अब जरा इनके पीछे पीछे जाएंगे।
तो दोस्तों जो डोला है बिल्कुल उड़ गया है और आने के लिए तैयार हो गया है, और मैं थोड़ी ऊंची जगह में हूँ ताकि दिखा सकूँ आपको बढ़िया करके। मंदिर में डोला पहुंचेगा ना काफ़ी भीड़ हो जाएगी, वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम पहले ही चल देते हैं मंदिर के अंदर। लास्ट में डोले को पहुंचना तो ऊपर मंदिर में ही है ना, तो वहीं जाते हैं फटाफट। अभी भी देख लो यार कम भीड़ है क्या यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है इतनी ज़्यादा, और नीचे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट फिर भी हम लोग आ गए हैं नीचे से। डोला कैसे उठता है वो तो देख ही लिया है, अब यहाँ मंदिर में क्या सीन होता है वो देखना है बस हमको, मंदिर की तरफ चलते हैं।
भाई काफ़ी भीड़, बहुत मेहनत लगी है इतनी वीडियो बनाने में, दब दब के ना सबके सब भक्त आदमी आए हुए थे, कई मेहनत से बनाई है। बट वैसे अब यही है, डोला जो उठा था ना तो मेन डोले का ही होता है, तो वो हमने देख लिया है। अब टाइम भी हो गया, 3 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट घर को जाते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं है ना, क्योंकि बाहर से एक बार आपको दिखा देता हूँ पूरा मेला कैसा लग रहा है, फिर चलते हैं घर को। तो भाई लोग, जो ये डोला उठा था ना वो आज हो चुका है ख़त्म। साल में एक ही बार होता है डोले वाला सीन शॉट, ज़्यादा नहीं होता है। और अब कल होगा तो शायद बस मेला होगा, जैसा कल पास्ट वाले में हुआ था ना वैसा ही होता है। तो कल को भी मतलब थोड़ा बहुत मेला होगा शायद, इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होता है, 3 दिन का होता है, तो कल को भी होगा। बट गाड़ी हमने यहीं कहीं पर लगाई है, तो अब गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले तो अपनी, हम यहाँ से चलते हैं हौले वाले घर की तरफ को। पर एक्चुअली मैंने अपना हेलमेट मेरे बैग में डाला हुआ है, इस वाले बैग में, तभी तो छोटा वाला हेलमेट लेके घूमता हूँ, बैग के अंदर फिट आ जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। ऐसे मेले वेले में ना हाथ में चलाने में बहुत दिक्कत होती है। अब यार गाड़ी कहाँ लगाई, मेरे भूल गया गाड़ी लगाया हुआ मैंने। एक और मेरे को मेरा वहाँ पे दोस्त मिल गया था, ब्लॉगर दोस्त मिल गया था। तो बस अब हम लोग पहुँच गए हैं गाड़ी के पास, देखो और चलते हैं। और कल मे भी क्या पता आ जाऊँ, कुछ भरोसा नहीं है, अगर अच्छा होगा तो आ जाऊँगा, मन करेगा तो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई मूड ना, यू नो। तो दोस्तों जा रहे हैं हम घर को, और ये है चंडा की ठंडी ठंडी वादियाँ। यहाँ पे दिन हो शाम हो हमेशा ठंडी हवाएं चलती रहती है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना, ये देखो पेड़ देखो कितने ऊंचे ऊंचे आसमान में देखो, जरा एक से एक बड़े बड़े पेड़ है ना, इस वजह से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है यहाँ पे। चंडाक में आके देखो भाई, ऊपर फोटो शूट चल रहा है, ये सबसे अच्छी प्राइम लोकेशन है फ़ोटो खींचने के लिए, तुमको बताऊँ ना मैं। ऐसा लगता है यहाँ आके जैसे तो हॉलीवुड पहुँच गए हो, हॉलीवुड। खतरनाक जाम लग गया है भाई, ये देखो तो बेटा वो आगे तक 2-2 किलोमीटर तक मेरे को गाड़ियाँ चलते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घर, और आज बड़ा मज़ा आया दिन भर में, मेला जो था बहुत अच्छा रहा मेला। तो खैर अब इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।